Hello students, welcome to CR International online classes. Today we are going to discuss about the layers of atmosphere. जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एटमोसफियर की लेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियोज में हम थ्री लेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मीजोस्फियर. इन तीन लेयर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर. तो दो लेयर्स हमारी बची हैं, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. चलिए शुरू करते हैं थर्मोस्फियर से. थर्मोस्फियर जो है वो एटमोस्फियर की फोर्थ लेयर होती है. इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ एटमोस्फियर. स्पेस शटल्स मूव इन दिस लेयर ऑफ एटमोस्फियर. जो स्पेस शटल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो रॉकेट है, स्पेस शटल्स होते हैं, वो इसी लेयर के अंदर जो है मूव करते हैं. ठीक है, आगे देखिए. नेक्स्ट एक्सोस्फियर, जो लास्ट लेयर होती है एटमोस्फियर की, दैट इज कॉल्ड द एक्सोस्फियर. एक्सो का मतलब ही होता है बाहर. ठीक है, तो ये बाहरी लेयर होती है, लास्ट लेयर होती है. इट इज द फिफ्थ लेयर एंड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर. तो ये फाइव लेयर्स हैं जो एटमोस्फियर के अंदर पाई जाती हैं. आप लोगों पिक्चर के थ्रू एक बार और देखिए. ये देखिए, सबसे पहली जो लेयर हमने पढ़ी थी वो थी ट्रोपोस्फियर, जिसके अंदर हम रहते हैं. सेकंड लेयर जो हमने पढ़ी थी वो थी स्ट्रेटोस्फियर. थर्ड लेयर थी मीजोस्फियर. फोर्थ लेयर थर्मोस्फियर. आप लोगों को यहाँ पर एक स्पेस शटल रॉकेट जैसा दिखाई दे रहा होगा. और लास्ट लेयर जो होती है वो है एक्सोस्फियर. इसके बाद जो है एटमोस्फियर खत्म हो जाता है. ठीक है, तो ये फाइव लेयर्स जो है हमारी एटमोस्फियर के अंदर पाई जाती हैं. इनके नेम जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. चलिए शुरू करते हैं आगे. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एयर. अब एयर के क्या क्या यूजेस हैं ये भी हमें पता होने चाहिए. सबसे फर्स्ट जो यूज है, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग. सबसे पहले तो ब्रीथिंग के लिए, हमें सांस लेने के लिए एयर जरूरी है. अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है और ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. देखिए, प्लांट जो है एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपना फूड बनाने के लिए यूज करते हैं. और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है एयर के अंदर? ये जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर आती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं. प्लांट्स जो है लेते हैं, जिस प्रकार से हम ब्रीदिंग करते हैं उसी प्रकार से प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं. तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं, वो उसके बाद ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं एनवायरमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर. और उस ऑक्सीजन का यूज सभी लिविंग बींग्स करते हैं ब्रीदिंग करने में. तो प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. हम प्लांट्स को कौन सी गैस देते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन। तो दोनों आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो प्लांट्स का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, जितनी भी चीज़ें जो हैं हम जलाते हैं वो केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जल सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस एयर के अंदर पाई जाती है, दैट इज फ्रीली अवेलेबल इन द एयर। फ्रीली जो है वो पाई जाती है, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है ऑक्सीजन। तो कोई भी चीज अगर बर्न होती है, जलती है, तो वो किसकी वजह से जलती है? वो ऑक्सीजन गैस की वजह से ही जलती है, बर्न होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज जो है वो बर्न नहीं हो सकती, कोई भी चीज जलाई नहीं जा सकती। तो ये भी एयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। आगे देखो बच्चों, जो नेक्स्ट यूज है एयर का, दैट इज एयर इज आल्सो नीडेड फॉर इन्फ्लेटिंग टायर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, ट्यूब्स एंड फुटबॉल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जो टायर्स हैं और जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार वगैरह के जो पहिए होते हैं, और ट्यूब्स होती हैं, फुटबॉल होती है, उन सभी में एयर जो है फिल की जाती है, एयर भरी जाती है। तो वहाँ पर भी वो भी एयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है। एयर के बिना जो है कोई भी ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ी के पहिए वगैरह कुछ भी जो है नहीं चल सकते, फुटबॉल में भरी जाती है, ठीक है? तो ये भी एक यूज है। नेक्स्ट इज एयर आल्सो सपोर्ट्स इन फ्लाइंग पैराशूट्स एंड ग्लाइडर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैराशूट्स हैं और ग्लाइडर्स हैं ऊपर हवा में, जो कई लोग पैराशूट से उड़ते हुए देखे होंगे, आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा ग्लाइडर्स, तो उसमें हवा जो है, एयर जो है उड़ने में सहायता करती है, सपोर्ट करती है। इन सेलिंग बोट्स एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बोट्स चलने में यानी कि जब बोट को चलाया जाता है तो तब भी एयर की जरूरत होती है, कि एयर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में चलाई जाती है बोट्स। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इसका यूज होता है एयर का, बाय मूविंग द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल। जो विंड मिल है उसके जो ब्लेड्स हैं यानी कि जो उसके पंखड़ी होती है वो घूमती हैं, मूव करती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये सभी जो है एयर के यूजेस हैं।